आज मैं आपके सामने बना रही हूँ बिल्कुल साधारण तरीके से सूजी का चीला, जो ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने ये लिए गाजर जिसको कद्दूकस किया हुआ है, हरा धनिया, प्याज बारीक कटी हुई, हरी मिर्च, सूजी। मैंने इन सबको पहले से ही तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च, खीरा और घी भी डाल सकते हैं कद्दूकस करके। मैंने इन सबका पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, गाजर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, इसमें मैंने पानी डालकर पकोड़ों जैसा थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाया है। अभी नमक, ब्लैक पेपर, काली मिर्च यानी कि, और इसे 15 मिनट के लिए रख दूंगी। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा खाने का सोडा। पेस्ट यदि हमें पतला लगता है तो हम इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पेस्ट अच्छा बना हुआ है। देखिए, इसमें मैंने 2 स्पून डाला है, 2 चम्मच, और मैं इसको फैला रही हूँ। इसको थोड़ा सा मंदी आंच पे करेंगे, क्योंकि इसमें गाजर वगैरह गलानी होती है कि चीले के अंदर ही, ज़्यादा तेज आंच पे चीला तो सिक जाएगा लेकिन अंदर की सब्जियाँ सिक नहीं पाएंगी पूरी तरह से। चारों तरफ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालते हुए किनारों से लग रहा है कि चीला पलटने लायक हो गया है, सिक गया है। अब हम इसको पलटेंगे, फिर से किनारों में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको दबा के भी सेकना चाहें तो सेक सकते हैं। काफी लाइट डाइट होती है ये। चीला तैयार है। यदि आपको चीला बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चीला बनाइए। और यदि कोई भी कमेंट्स डालना चाहते हैं, कोई भी सुझाव डालना चाहते हैं, तो आप इनबॉक्स पे भेज सकते हैं। मैं आपके सुझावों को जरूर पढ़ूंगी और उन्हें फॉलो करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।